जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंगेस्ट्रो। सबसे पहले बात करेंगे मरकरी के इस अमाउंट की। मरकरी का अमाउंट वेल डेवलप्ड है और एक बेहतरीन स्थिति को दिखाने का काम कर रहा है। इस पर सबसे पहले जो महीन रेखाएं हैं उस पर अगर हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर नलिका रेखा की तरह पूरी स्पष्ट तरीके से यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रही है और एक त्रिशंकु की स्थिति को दिखा रही है। इसका स्पष्ट अर्थ होता है कि ये जातक के लिए प्रधान ग्रह के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा है, और जब बुध प्रधान ग्रह के रूप में कार्य करता है तो व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियाँ उसके नियंत्रण में आती चली जाती हैं। व्यक्ति बुद्धि विवेक से अपने कार्य करता है और किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी वो बढ़ना चाहे, उसमें किस्मत उसका बाकायदा साथ भी देती है। ऐसे लोगों को अपने मेहनत पर से कभी भी भरोसा कम नहीं करना चाहिए, खुद से भरोसा कम नहीं करना चाहिए। आप लगातार अपने कार्य में लगे रहते हैं तो निश्चित तौर पर किस्मत आपको उसका दोगुना चौगुना वापस देने का काम करती है। ऐसी स्थिति में अपने निर्णय पर कभी भी आप शक न करें, रिग्रेट न करें, पीछे पैर करने की कभी भी जीवन में ज़रूरत न पड़े, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग बहुत ही सोच समझ कर किसी निर्णय पर पहुँचते हैं और उस पर अमल करते हैं, उस पर अड़ते हैं, और इस कारण ज़िंदगी इन्हें काफ़ी अच्छे हालातों से आगे अवगत करवाने का काम करती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि कई सारी अन्य रेखाओं की स्थिति भी यहाँ पर बन पड़ी है। जैसे कि बाहरी क्षेत्र में सीधी रेखा की स्थिति बन पड़ी है छोटी छोटी रेखाओं के रूप में, लेकिन ये रेखा आ कहाँ से रही है, तो हृदय रेखा के इस क्षेत्र से चलती चली आ रही है। देखो, ऐसी स्थिति में कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आपसी रिश्तों के या जो भी संबंध है आपके, उसे बड़ी ही काबिलियत से हैंडल करने की आवश्यकता होती है, नहीं तो छोटी छोटी चीज़ें आपके रिश्ते में बड़े बड़े जख्म आपकी तरफ देने का काम कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई दफ़े आपकी जो मनोभावना होती है, आपके जो सोचने का तरीका होता है, वो आपके अन्य जो खून के रिश्तेदार हो, वेल विशर्स हो, या जो भी आपके पेरेंट्स हो या गार्जियन जो भी हो, उनके साथ तालमेल में कहीं ना कहीं कमी करने का काम करता है और एक कम्युनिकेशन गैप को बढ़ाता है, जिस कारण हम जिस तरीके से दुनिया को देख रहे हैं, हमारा जो नज़रिया है, जिस तरीके से हमें चलना चाहिए और आगे के लिए हमने जो रोड मैप बना रखा है, वो कहीं ना कहीं सब उससे कोरिलेट नहीं कर पाते, और लोगों को लगता है कि इनका जो रास्ता है इन्हें सही जगह की तरफ नहीं लेके जा रहा है, तो इन्हें हमारे हिसाब से आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन यहीं पर क्लैश होता है और इस कारण कहीं ना कहीं आप लड़खड़ा जाते हैं और आगे आपके लिए भविष्य में चुनौतियां तैयार बैठी होती हैं। अब अगर नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो पाएंगे कि सीधी चलती खड़ी रेखाओं की स्थिति यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। ऐसी स्थिति जब भी आएगी, व्यक्ति के विवाह संबंधों में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को इंगित करने का काम करता है। सर्वप्रथम कई सारे ऐसे रिश्ते होंगे जो कितने ज़्यादा टूटेंगे पूछो मत, बार बार जोड़ने की कोशिश होती है लेकिन हमेशा यही लगेगा कि कुछ न कुछ कारण से बात बनते बनते वहाँ पर रह गई, बिगड़ गई। इसके अलावा जातक भी यहाँ पर शादीशुदा ज़िंदगी के प्रति एक उदासीन रवैया उनके जीवन में देखने को मिलता है। इसके अलावा जब शादी विवाह का कार्य अगर करने की बात आ जाती है तो कई दफ़े उसमें विलंब के योग भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। हालांकि विवाह संबंधों को बड़ी ही सजगता से और निपुणता के साथ बढ़ाने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है, क्योंकि रेखाओं को अगर आप देखेंगे तो बाहर आके छोटी छोटी रेखाओं के रूप में कई बार ये विभक्त होती चली गई है। जब इस प्रकार से यहाँ पर नलिका रेखाएँ बाहर की तरफ बढ़ने लगे ना, एक पौधे की तरह, तो ये समझो कि ये एक तरीके से जैसे कि पतझर के बाद फिर से नए पत्ते आते हैं ना, वैसी स्थिति को दर्शाता है, और ये जीवन में क्षरण की स्थिति को दर्शाता है। इसमें क्या होता है कि आपस में जो रिश्तों में जो प्रगाढ़ता आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं हमेशा बनते बनते रुक जाती है, और भरोसा एक दूसरे के प्रति होते होते कुछ ना कुछ विघ्न जीवन में ऐसे आते हैं जिसके कारण फिर से आप दोराहे पे खड़े होते हैं, तो कुछ ना कुछ समस्याएं यहाँ पर आपके साथ लीड करने का काम करती है। अब ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो सीधे स्पष्ट तौर पे चलती हुई रेखाओं की स्थिति है, लेकिन इन रेखाओं को अगर ध्यान से आप देख पा रहे हैं तो पाएंगे कि इसमें एक रेखा जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ और दूसरी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने का काम कर रही है। यानी प्रथम रेखा अगर इस क्षेत्र से देखेंगे तो ये नीचे की तरफ चलती चली आ रही है, और ये रेखा यहाँ से ऊपर की तरफ चलती चली आ रही है। इसके कारण क्या होगा कि कई बार आपको होता है, अगर दोनों यहाँ पर देखो, दोनों नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती तो उसके फल अलग होते, यहाँ पर दोनों ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे उसके फल भी अलग होते, और यहाँ का जो पर्वत क्षेत्र है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये फल किस प्रकार के देंगे। अब यहाँ पर जैसी स्थिति है, एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है,
अब ऐसी स्थिति में जो प्रथम रेखा है ये जातक के लिए समस्याओं को यहाँ पर खड़ी करने का काम करता है। कई दफ़े आप जिस चीज़ का सपना देखते हैं, जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए पूरी पढ़ाई कर चुके होते हैं, वास्तविकता में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जॉब बिल्कुल अलग क्षेत्र में मिलती है या आपको चांसेस बिल्कुल अलग क्षेत्र में मिलते हैं, या पूरा करने के बाद आपको पता चलता है कि इससे आपके जीवन में अब कुछ फ़ायदा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस कारण फिर से आपको उससे जो थोड़ी सी आपको प्राप्त हो चुकी रहती है विद्या और बाकी कुछ और चीज़ों को करके आप दूसरी चीज़ करना शुरू कर देते हो, तो ऐसी चीज़ों को स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम करती है। इसके अलावा यहाँ पर रेखाओं की स्थिति अलग अलग प्रकार से रहने पर आजीविका के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से अपने करियर को आप आगे बढ़ाएंगे उसे भी दिखाने का काम करता है। खासकर न्यायिक संबंधी यानी कि जस्टिस रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं जुडिशियल उससे संबंधित, इसके अलावा आपका मेडिसिन से संबंधित ले लो, इसके अलावा एकेडमिक ले लो, इन सब क्षेत्रों में जाने वाले लोगों की जानकारी यहाँ से आपको स्पष्ट तौर पर मिल जाती है। लेकिन उसके लिए रेखाएँ जब अलग अलग स्थिति की होती हैं तो उसके द्वारा आप समझ पाएंगे। अब इस हथेली की हम बात करते हैं तो यहाँ की जो रेखाओं की स्थिति है ये जातक के अपने क्षेत्र में यानी कि यहाँ पर गुरु इनके लिए ज़्यादा काम करने वाला है, तो जैसे बैंकिंग वगैरह का क्षेत्र हो गया उसमें जाके और वाणिज्य से संबंधित कामों की तरफ अगर जातक बढ़ता है तो उसमें ये जातक को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने का काम करेगा और सपोर्ट किया एक तरीके से ये उसके लिए ही बने हैं, बस यही आप जान जाए। अब ऊपर के क्षेत्र में देख लो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आधी रेखाओं की स्थिति यानी कि अर्धव रेखाओं की स्थिति है। ये रेखाएं क्या करेगी कि आपके लिए कुछ नए अवसरों को भी लाने का कई दफ़े काम करेगी, यानी कि आप कोई एक काम कर रहे होंगे इसके साथ में ही आप कुछ और पढ़ाई करके या कुछ और ऑप्शन आप चूज करेंगे और कुछ हायर स्टडीज़ की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे और जॉब को भी फिर से आप कुछ ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, यानी कि नए क्षेत्रों की तरफ बढ़ने की कोशिश को ये दर्शाने का काम करता है। और इनकी जो स्थिति है सूर्य की तरफ चलती चली आ रही यानी कि सफलता की स्थिति को भी स्पष्ट दिखाने का काम करता है। अब यहीं पर हम आ जाते हैं बगल में बिल्कुल सूर्य के इस रेखा पर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सूर्य की जो स्थिति है बिल्कुल सामान्य है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गड्ढा यहाँ पर नहीं है ना ही उभरा हुआ है, अगर उभार है भी तो बिल्कुल कॉर्नर के क्षेत्र में है जिसका दबाव स्पष्ट तौर पर शनि के इस क्षेत्र में पड़ रहा है। जब भी किसी पर्वत क्षेत्र की रेखाएँ या वो पर्वत क्षेत्र खुद से अगर किसी दूसरे ग्रह क्षेत्र में घुसपैठ करती है यानी उसकी तरफ इसका झुकाव बढ़ता है तो निश्चित तौर पे दोनों पर्वत क्षेत्रों पर इसके अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ते हैं, और अलग अलग ना इसे स्पष्ट तौर पे समझे कि कहीं ना कहीं जातक का नुकसान ही होता है, यानी कि जो क्षेत्र दूसरी तरफ गया उसका भी नुकसान होगा यानी उस ग्रह से भी, और जिस ग्रह पे गया उस ग्रह के जो फल हैं उससे भी नुकसान की स्थिति आपके लिए बनती चली जाती है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं मध्य का जो क्षेत्र है मध्य के क्षेत्र में सामान्य स्थिति है। एक सामान्य स्थिति बताती है कि जातक अपने जीवन में अगर सही तालमेल बिठा पाया चीज़ों से तो अपने जीवन को बेहतर गति से आगे बढ़ा पाने में सक्षम होगा, लेकिन अगर नहीं बिठा पाता है तो क्योंकि उसे ढेर सारी अड़चने मिलेंगी, जैसे शनि के क्षेत्र से उसे अड़चन मिलेगी, गुरु के क्षेत्र से कुछ अड़चन मिलने के अनुमान है, बाकी राहु का क्षेत्र तो अड़चनों की खान है यहाँ पे अभी जो करंट सिचुएशन है। तो ऐसी स्थिति में कैसे वो चीजों को लेके आगे बढ़ेगा। अब यहां पर देख लो, यहां पर अगर पर्वत क्षेत्र की बात करते हैं तो एक त्रिशंकु की अस्पष्ट स्थिति यहां पर बन पड़ी है और ये स्थिति सहायक ग्रह के रूप में इसे दिखाने का काम करती है, यानी कि सूर्य यहां पर स्पष्ट तौर पे जातक के लिए सहायता का कारण का कारक बनेगा, और जातक अगर अपने उद्यमों में यानी कि जो अपने काम करेगा जो उसका कृत्य होगा उसमें अगर पूर्ण समर्पण को दिखाता है तो ये जातक के भविष्य को अत्यधिक ऊंचाई देने का काम करेगी, उज्ज्वल करने का काम करेगी, जीवन को बेहतर परिस्थितियों की तरफ ले जाने का काम करेगी। अब इस क्षेत्र में जो मुख्य रेखाएं यहाँ पर उपस्थित है उसे अगर आप देखेंगे तो त्रिशंकु की यानी कि नलिका रेखाओं के साथ सहयोग करते हुए रेखा नीचे की तरफ आई है, ये एकल रेखा है यानी कि रेखा कहीं से कटी फटी नहीं है, किसी ने भी इसे कहीं से खंडित करने का काम नहीं किया है, ना ही कोई एनिमी सिंबल यानी कि जो दुश्मन रेखा है वो इस पर मौजूद है। ऐसी स्थिति में ये पूर्णतया पूरे होश और जोश के साथ जातक के जीवन को उज्ज्वल करने का काम करेगी, जातक के भविष्य को संवारने का काम करेगी और जातक को निश्चित तौर पे एक अस्थाई
आजीविका के साधन देने का काम करेगी, यानी करियर के क्षेत्र में जो आप काम करना चाहते हो उसमें आपको सफल कर देगी। और वो लंबे समय तक, यानी कि आप रिटायर होंगे, ऐसी जगह जाएंगे, सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए जातक को पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है और आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। जातक अगर अपने कार्य में मुखर होगा, अपनी चीज़ों पर भरोसा करने वाला होगा, तो जातक जितनी ज़्यादा ऊंचाई को प्राप्त करने की कोशिश करेगा उसे यहाँ पर प्राप्त होगी। अगर किसी की भी हथेली में ऐसी रेखाओं की स्थिति बनती है तो उन्हें जुझारू होना पड़ेगा, उन्हें डरना नहीं है, उन्हें खुद पे भरोसा करके अपनी चीज़ों को करने के लिए सर्वस्व निछावर कर देने की, झोंक देने की आवश्यकता है। और फिर आपको वही मिलेगा जिसके आप असल हकदार हैं और जो आप चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। और यहाँ पर अगर आप नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो दूसरी रेखाओं की स्थिति, ये आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है, साथ ही अन्य क्षेत्रों में जो आपकी शिक्षा है, अन्य क्षेत्रों पर जो आपकी पकड़ है, उन चीज़ों को भी दर्शाने का काम करता है और उस क्षेत्रों से भी आपके जीवन में आने वाले फायदे की स्थिति को दिखाने का काम करता है। यानी कि अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकल के भी जातक अपने आप को साबित करेगा अन्य क्षेत्रों में भी, जहाँ पर उसकी इच्छा होगी या जहाँ पर उसका टैलेंट यहाँ पर काम करता है। इसके अलावा ऐसे लोग अगर विभिन्न प्रकार के कला के क्षेत्रों की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। हालांकि रेखाएं यहाँ पर उस तरीके से पुष्ट नहीं है, अगर यही रेखाएं स्पष्ट तौर पे नीचे की तरफ आती या अर्धव स्थिति में ऊपर की तरफ जाती तो ऐसे लोग कला के क्षेत्र में, जैसे कि आप फिल्म संबंधित, नाट्य संबंधित जो कार्य होते हैं उसमें भी काफ़ी तरक्की का काम करते हैं। इसके अलावा मध्य में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉस की स्थिति। देखो, जब भी ऐसी क्रॉस की स्थिति बनती है आपको थोड़े सावधान रहने की आवश्यकता होती है। सूर्य के क्षेत्र में क्रॉस बनने से क्या होगा कि मान हानि की स्थिति बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है, अपमान जीवन में कई दफ़े आपको भोगने की स्थिति बन पड़ती है। सब सही, आप बिल्कुल सही होंगे, सही कर रहे होंगे, फिर भी आप गलत ठहरा दिए जाएंगे, किसी न किसी प्रकार से आप पर लोग आक्षेप करना शुरू करेंगे और समस्याएँ मुसीबतें तो बिल्कुल आपके साथी की तरह यहाँ पर काम करती हैं। 29वें वर्ष से पहले तक आर्थिक तौर पर बड़ी विपन्नता को भी दिखाने का काम करती हैं, यानी कि फिनांशियली आपके लिए जीवन में कुछ अर्थ जितना चाहिए पैसा आपको उतना नहीं मिलता है। उसके बाद आप जीवन में बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ते हैं, ढेर सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन कई दफ़े उसमें जो निरंतरता होनी चाहिए वो नहीं होती है और कभी बहुत ज़्यादा कभी कम, ऐसी स्थिति को दिखाने का काम करता है। कुछ ना कुछ मामलों में हमेशा फंसने की स्थिति बनी रहती है, चूँकि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर क्रॉस है। ऐसे जातक को कहीं भी किसी की मदद लेने से बचनी चाहिए और ख़ासकर ऐसे लोगों से जिन पर भरोसा ना हो, बिल्कुल नए लोग हों, क्योंकि ये आपके लिए समस्याओं को बढ़ा देने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को शिक्षा से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, जितना हो सके शिक्षा ग्रहण करने की तरफ जिज्ञासु होना चाहिए और नई नई चीज़ों की जानकारी लेती रहनी चाहिए, तो इनके लिए अच्छा होता है। नीचे के क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर अन्य कई सारी रेखाएँ हैं जो कि बिल्कुल भाग्य रेखा के साथ सहयोग करते ऊपर की तरफ बढ़ी है और आगे आके शनि के क्षेत्र की तरफ चलती चली गई है, लेकिन इनका जो रूट है वो आपके राहु के क्षेत्र से होते हुए सूर्य के क्षेत्र को संक्रमित करते हुए और फिर इस शनि के क्षेत्र में गई, यानी कि ये जो रेखा है इसका प्रभाव नकारात्मक तौर पे व्यक्ति के जीवन में आएगा और व्यक्ति के जीवन में चीज़ों को बेवजह देर करने का काम करेगा। जो कुछ भी करेंगे ना, अभी मिल जाना चाहिए, वो नहीं मिलेगा, वो बेवजह चीज़ों में देरी ऐसी करेगा कि समझो कुछ फॉर्म भरा तो पता नहीं फॉर्म कहाँ चला गया, जाना है आज परीक्षा देने तो आज बस देर हो गई, आपके रास्ते में चप्पल टूट गई, ये हो गया बॉस नहीं आया, इंटरव्यूअर नहीं आया, फलाना नहीं आया ठिकाना, मतलब 100 कहानियाँ ये जीवन में लाने का काम यहाँ पर करेगा और इस कारण व्यक्ति के चीज़ों में बेवजह देरी की स्थिति को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई प्रकार के त्रिभुज की स्थिति है जो सूर्य पर्वत के जो कुछ फल हैं उसे तीव्र गति से बढ़ाने का काम करता है और आपके साहस को बढ़ाने का एक काम करेगा, हौसले को बढ़ाने का काम करेगा, ताकि आप अपने कार्य पर अपनी जो प्राप्त करने की आपकी क्षमता है उसके लिए आप पूरी मेहनत यहाँ पर कर सकें। इसके अलावा अगर आपके शनि के क्षेत्र की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर अन्य कई सारी रेखाएं हैं, हालांकि उससे पहले इसका जिक्र एक बार हम कर लेते हैं। छोटी सी महीने का छोटा सा ग्रहण योग, ये जब भी आपके लिए बनेगा आपके लिए परेशानियों को बढ़ाने का काम करेगा और जो कुछ भी करना चाहोगे उसमें इतने अड़ंगे लगाएगा कि पूछो मत। तो इससे हर एक व्यक्ति को बचना चाहिए जिसकी भी हथेली में सीधी रेखा हो। हालांकि इसमें गनीमत है कि सिर्फ सूर्य के इस क्षेत्र में है, इसलिए जातक इससे उबर जाएगा, लेकिन अगर इस शनि के क्षेत्र की तरफ घुसपैठ कर जाती तो फिर अत्यधिक मुश्किलों को ये सीधा बताने का काम करता है।
अब हम बात करेंगे शनि के क्षेत्र में। देखो शनि के क्षेत्र में जो सबसे पहले पर्वत क्षेत्र की जो स्थिति है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बेहतर स्थिति को दिखाती है। इनकी लालिमा काफ़ी अच्छी है और ये जिसे आप कह सकते हैं भूमि के रूप में, एक जमीन के रूप में बहुत ही अच्छी तैयार है। अब इस पर जो रेखाएँ रूपी फसल हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो रेखाएँ भी यहाँ पर काफ़ी सुंदर स्थिति को दिखाने का काम कर रही है और शनि के इस क्षेत्र से निकलते हुए सूर्य के इस क्षेत्र की तरफ चलती चली जा रही है। अब आप देखेंगे सूर्य का जो झुकाव है ये किस प्रकार से इसे प्रभावित कर रहा है। ये जो प्रथम रेखा है ये रेखा जातक को हौसला देने का काम करती है, जातक को मानसिक तौर पे अत्यधिक मजबूती प्रदान करने का काम करती है, लेकिन उस पर इस रेखा ने अतिक्रमण किया है, उस पर काफ़ी दबाव दिया है। ऐसी स्थिति में कई दफ़े क्या होता है कि हमारे जीवन में हमें कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर हम लेना शुरू कर देते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे कि एक व्यक्ति को मान लो एक बॉडी में सारे विटामिन की ज़रूरत होती है, सारे मिनरल की ज़रूरत होती है, सब कुछ होना चाहिए, सारे ऑर्गन होंगे तभी आप जिंदा होंगे और सारे विटामिन्स होंगे तभी आप बेहतर तरीके से ज़िंदगी जी सकते हो। अगर किसी भी चीज़ की कमी हो गई तो वहाँ पर आपके लिए चीज़ें विपरीत होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर वही हाल है, यहाँ पर जैसी स्थिति ये बनाने का काम कर रहे हैं इसमें जातक के लिए मानसिक तौर पे अपनी स्थिरता को बनाए रखना, अपने आप पर काबू बनाए रखना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल होता चला जाता है और खुद में ही जातक प्रेशर लेना वहाँ पर शुरू कर देता है। अपने लिए जो उम्मीदें हैं या लोगों की सोच के या दुनिया की सोच के ऐसे लोग इतना बर्डन ले लेते हैं, इतना बोझ उठा लेते हैं कि उसके कारण इनके लिए परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। देखो जीवन में जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो दिमाग का ठंडा होना आवश्यक होता है, ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि आप सही फैसले नहीं ले पाते हैं। और यहाँ पर जब प्रेशर बढ़ता है ना तो इस प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि हम जल्दबाज हो जाते हैं, हम हड़बड़ाहट में चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम अंदर ही अंदर एक भय को अपने अंदर जगह दे देते हैं और जो हमें बार बार बताता है कि चीज़ें आपके हक में नहीं है और जो भी आप करोगे उसमें आपके लिए नुकसान की स्थिति पैदा हो जाएगी, इसलिए आप भागो यहाँ से, जो मिल रहा है कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, प्रेशर आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को बढ़ाएगा, फिनांशियली मेंटली हर तरीके से आपको ये हैरेसमेंट की जैसी स्थिति को दिखाने का काम करता है। अब ऊपर के क्षेत्र में देखो यहाँ पर एक अन्य रेखा की स्थिति है जो कि हृदय रेखा से निकलते हुए आगे की तरफ बढ़ी है और बिल्कुल प्रथम पोर के ऊपर तक चलती चली गई है। इसके दो प्रकार के जो फल हैं वो आपके जीवन में देखने को मिल सकते हैं। सर्वप्रथम त्रिशूलाकार आकृति की जो स्थिति है ये अगर पूर्ण रूप से यहाँ पर होती तो ये जातक के लिए अत्यधिक शुभ होता, क्योंकि ऐसी स्थिति में ऐसे लोग राजनीति में और विभिन्न प्रकार के जो ऐसे प्रोफेशनल जो वर्क हैं उसमें बड़ी तेज़ी से प्रगति करते हैं और काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शाखा के रूप में निकल के आगे की तरफ बढ़ी है। यह स्पष्ट बताती है कि जीवन में धन की स्थिति जातक के लिए अत्यंत उत्तम होगी, बहुत उत्तम होगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन जातक जीवन में जो शांति चाहिए उसमें कहीं ना कहीं जातक के लिए परेशानियाँ यहाँ स्पष्ट तौर पर आने का काम करेगी। वो शांति यहाँ पर मिलती हुई नहीं दिख रही है, मन के जो कुछ अरमान होंगे वो पूरे होने की स्थिति यहाँ पर नहीं दिख रही है। इसके अलावा बाहरी क्षेत्र से एक त्रिशूलाकार आकृति यहाँ पर स्पष्ट तौर पे उभर के आई है, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है जिसमें किस्मत का साथ मिलेगा और कई बार ऐसा होगा कि मरते मरते बचेंगे, अकाल मृत्यु की जैसी स्थिति आएगी उससे भी बचेंगे। कौन कौन सी उम्र में, एक उम्र पार हो चुकी है 17 साल की उम्र, एक उम्र 27 से 28 की उम्र थी, इसके अलावा जो दूसरी तीसरी आएगी वो आएगी जातक के लिए 46वें से 47वें वर्ष के मध्य में आएगी, जिस समय फिर से जातक इन चीज़ों से बचेंगे और बाल बाल बचेंगे। वो क्या होगी जिससे जातक के जीवन पर खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है, तो जातक को ऊंचाई से दूर रहना चाहिए, ऊंचाई से गिरने की जैसी स्थिति को यहाँ पर दिखाने का काम कर रहा है तो जातक के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा उससे बचना, अन्यथा वहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं जातक की तरफ बढ़ सकती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें भी जातक के पक्ष में जाती हुई नहीं दिख रही है, उसका भी नुकसान जातक को यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है।
अब हम बात करेंगे इसके मध्य में जो अन्य कई सारी रेखाओं की स्थिति है। जैसे कि आपने ऊपर से आते देखा, ये रेखा ने तो जातक के बहुत सारी मुसीबतों को यहाँ पर रोक देने का काम किया है, जिस कारण जातक उस प्रेशर से अलग रह के काम करेंगे। लेकिन नीचे के क्षेत्र में जो रेखाओं की स्थिति है, ये मृत रेखाएँ जो आगे की तरफ बढ़ी हैं और इसने रेखाओं को काटा है, हालाँकि मुख्य रेखा पर इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन नीचे के क्षेत्र में जो एक त्रिभुजाकार आकृति जो यहाँ पर दिख रही है, ये अत्यधिक शुभ है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जातक जब यानी कि अपने बेटर हाफ के साथ इनका गठबंधन होगा, उस समय जीवन में कुछ बेहतरीन शुभ घटनाएं घटेंगी जो कि जातक के लिए अत्यधिक बेहतरीन होगी और इनकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली होगी। लेकिन साथ ही आर्थिक तौर पे एक बड़े नुकसान को भी दिखाएगी जो कि काफ़ी बढ़ती उम्र में जातक को मिलेगा आफ्टर 37 और 38। अब हम बात करेंगे गुरु के क्षेत्र की। गुरु का जो ये क्षेत्र है, शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सामान्य स्थिति से है। जातक अपने धर्म के प्रति, अपने बिरादरी के प्रति काफ़ी आस्थावान है और चीज़ों को बड़े ढंग से करने में यहाँ पर उनकी रुचि है और ईमानदारी जातक के अंदर कुट कुट के भरी है। किसी भी प्रकार से कोई भी बुरा काम, चाहे वो किसी की नज़र में हो या जब हम तन्हाई में होते हैं, उस समय भी जातक मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की बुराई में संलग्न नहीं है, लिप्त नहीं है। ये स्पष्ट स्थिति यहाँ पर दिख रही है। साथ ही जातक किसी के लिए भी कुछ बुरा करने की जैसी सोच कभी नहीं रखता है और ना ही कभी किसी भी प्रकार से किसी का बुरा अपनी समझ के अनुसार वो न करेगा। अब बाहर के क्षेत्र में देखेंगे तो स्पष्ट पता चलता है कि जातक क्रिस्टल क्लियर बोलने वाला होगा, सीधा सीधा बोलने वाला होगा, मन में कुछ नहीं रखने वाला होगा, जो होगा आपके सामने होगा और इस कारण जातक कई दफ़े बड़ी परेशानियों में फंसेंगे। जातक अत्यधिक सोचने वाले होंगे और ज़्यादा सोचने के कारण कई बार चीज़ों को खुद से ख़राब कर लेने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। अब गुरु का जो ये क्षेत्र है, शनि की तरफ इनका भार है, लेकिन ऐसा भार है जिससे शनि को कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए क्या कि जातक निश्चित तौर पर अपने से बड़े जो भी हों उन्हें सलाम दुआ हमेशा करते रहें, उनका आशीर्वाद लेते रहें, कभी भी कैसे भी न भूलें। तो जातक को अपने जीवन में जितनी बड़ी ऊंचाई मिलेगी, जितनी बड़ी शांति मिलेगी कि पूछो मत। जातक बैंकिंग संबंधी जो नौकरी है उसकी तरफ बढ़े। बैंकिंग और रेलवे ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जातक को निश्चित तौर पे स्थायी नौकरी के निश्चित योग हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई भी कमी के जैसी स्थिति नहीं है। जातक को बस धैर्य धारण करना है, खुद पर भरोसा करना है और चीज़ों को प्राप्त कर लेना है, बस यही समझ लो। महत्वाकांक्षा जातक की है लेकिन कायदे में है, हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि एक अतृप्त इच्छा है जातक की जहाँ पे मतलब ये पाले वो पाले वो पाले, नहीं। खुद को जानने की इच्छा है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, लेकिन साथ में संतोष भी है जो कि काफ़ी अच्छा है और ये आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। सरकारी नौकरी निश्चित है, इसमें किसी प्रकार से कोई भी कमी नहीं है। अब हम बात करेंगे नीचे जो अन्य रेखाओं की स्थिति और पर्वत क्षेत्र उनकी। उसमें सबसे पहले मंगल के क्षेत्र को देखेंगे तो पारिवारिक सहयोग की स्थिति को स्पष्ट तौर पर दिखाने का काम करता है। जातक को बस मानसिक चिंता से खुद को दूर रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके लिए खुशियों में भी दुख आप ढूंढ लेंगे। घूमने फिरने का शौक काफ़ी अच्छा है, उसे बनाए रखने की ज़रूरत है। साल में एक दो बार निश्चित तौर पर जहाँ पर आप स्थायी रूप से रहते हैं वहाँ से बाहर निकल के घूम आएँ, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा आपको कहीं ना कहीं पीछे करने का काम कर रही है। और अगर आप अपने आप को एकेडमिक जो चीज़ें हैं उससे अलग करके और दुनिया जो आपको परेशान करने की कोशिश करेगी या परिवार में वगैरह में उलझाने की कोशिश अगर करते हैं तो आप खुद के साथ न्याय नहीं करेंगे और अपनी जो आपकी क्षमताएं हैं, आपके अंदर जो गुण हैं, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, उन्हें कहीं ना कहीं आप दबा देंगे, जिससे दूसरों का भी भला होता वो आप नहीं कर पाएंगे। तो खुद पर हमेशा भरोसा बनाए रखें और हौसला कभी अपना कम ना होने दें, निराश बिल्कुल ना होए, क्योंकि जैसे ही आप निराश होंगे आप अपनी लाइफ के बहुत ही कीमती पलों को और मौक़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को आप खो देने का काम यहाँ पर करेंगे, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। घूमने फिरने का जितना शौक आपको उतना अच्छा, जितना ज़्यादा घूमें उतना अच्छा, ठीक है।
फिनंशियली आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही एक बार बस आपके भाग्योदय का यहाँ पर विलंब है और उस तत्पश्चात फिर आपके लिए परिस्थितियाँ आसान हो जाएंगी। मध्य के क्षेत्र में अगर हम राहु को देखते हैं तो राहु यहाँ पर कई सारे रेखाओं से युक्त हैं, जिसमें कुछ अच्छी भी हैं कुछ बुरी भी हैं, लेकिन जो भी रेखाएँ सिंबल यहाँ पर बनी हैं उसमें कुछ ऐसी हैं जो कि मृत रेखाओं के सहारे बनी है। जैसे कि ये रेखा मृत स्थिति में है, इसके साथ बनी है, तो इस सिंबल को आप बीच वाले को आप किसी सिंबल का नाम नहीं दे सकते। अब मध्य में जो रेखा है ये रेखा एकल है लेकिन ऊपर जाके दो मुखी हो गई है, लेकिन फिर भी इसके सहारे बनी है तो इसे आप मान सकते हैं और ये स्क्वायर के साइन के रूप में यहाँ पर स्थापित है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो राहु के अंदर जो विभिन्न प्रकार के मुश्किलें नेमी सिंबल्स है उसके प्रभाव को एक कई गुना कम कर देगा। जैसे कि मान लो आपको 100 रुपये का नुकसान होना हो तो यहाँ पर आपका 20 रुपये का ही नुकसान होगा, लेकिन वो करेगा। अब बाहर के क्षेत्र में देखेंगे तो इसी रेखाओं से बन के अन्य प्रकार के त्रिभुज की स्थिति बनी है, फिर दो रेखाओं के सहारे त्रिभुज की स्थिति बनी है, फिर से सिंगल रेखा के सहारे त्रिभुज की स्थिति बनी है। नीचे के क्षेत्र में आएंगे तो इस मृत रेखा के बिल्कुल करीब से गुजरती हुई एक अन्य रेखा के साथ यहाँ पर फिर से चतुर्भुज की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट तौर पर निर्मित हुई है। अब इन सब का जो फल है वो समान रूप से जो कुछ बुरे सिंबल है, जैसे कि यहाँ पर सीधे ऊपर की तरफ से आ गई, फिर आपके बाहरी क्षेत्र में नीचे में अगर आप देखेंगे तो कई सारे क्रॉस के साइन यहाँ पर आ गए, तो इन सब के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे मुक्त करने का काम करेगा। मध्य के क्षेत्र में जो यहाँ पर आपके लिए क्रॉस की स्थिति बन रही है ये आपके भाग्य रेखा के सहारे बन रही है और ये अत्यंत शुभ है। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्रॉस का साइन बनेगा, जातक अपने जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत से आराम से निकल के अपने जीवन को सही कर लेने का काम करेगा। इसके साथ ही मध्य के क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो पाएंगे कि एक तो मस्तिष्क रेखा ऊपर के क्षेत्र में दो जगह से टूट के आगे की तरफ बढ़ती हुई बनी है और साथ ही एक नीचे के क्षेत्र से और भी निकली है। ये निकलना अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में ऐसा होता है तो इसे बेहतर नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई दफ़े अपने जीवन के कुछ खास कालखंड में दो तरीके की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होता है और बिल्कुल विरोधी स्वभाव के बीच में भी जातक को अपना निर्वहन करना पड़ता है, जिस समय बिल्कुल दिन और रात की स्थिति रहेगी और उस समय आप चाह के भी उस जंजाल से नहीं निकल सकते और उस मध्य में आपको अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को व्यतीत करना पड़ेगा। ये बड़ा दुखदायी समय होता है जो आपको हर तरीके से आपके जीवन को कष्ट में डालता है। हालांकि गनीमत है कि ये बहुत ही छोटी अवधि है और जातक के लिए बमुश्किल 12 साल तक इसका प्रभाव रहेगा। कब से कब जातक उस प्रभाव में फिलहाल जी रहे हैं। अब हम बात करेंगे जो आपकी भाग्य रेखा की स्थिति है उसके संबंध में। भाग्य रेखा यहाँ पर बेहतर गति से काम कर रही है और जातक के उज्ज्वल भविष्य को स्पष्ट तौर पर इंगित करने का काम कर रही है। मध्य के क्षेत्र से कई सारी भाग्य रेखाओं की स्थिति निकली है, लेकिन ये रेखाएं अपनी यात्रा को पूरी नहीं कर पाई है। इनफैक्ट कि जो मध्य का पड़ाव था उसे भी पूरा नहीं कर पाई है, इसलिए भाग्य रेखा के रूप में जो इनकी पहचान है वहाँ पर एक होते चले गए हैं और ये पर्वत क्षेत्रों के रेखाओं के रूप में इनकी स्थिति यहाँ पर बन पड़ी है और उसी के अनुसार ये अपने फल यहाँ पर जातक को प्रदान करने का काम करेंगे। बाहर के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो कुछ रेखाएँ निकली है, जैसे कि संधि क्षेत्र से यानी कि चंद्र और मंगल के क्षेत्र से रेखा निकली है जो कि मस्तिष्क रेखा प्रथम मस्तिष्क रेखा को छूने का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में ये जातक के लिए बल की वृद्धि करने वाला है, आत्मबल को बढ़ाने का भी काम करेगा क्योंकि सूर्य की स्थिति भी जातक के लिए यहाँ पर अच्छी है। इसके अलावा चंद्र के जो इस क्षेत्र से निकली है ये रेखा जातक जब जहाँ पर उनका जन्म हुआ है उससे जब बाहर जाएंगे तो बाहर इन्हें सबल प्रदान करने का काम करेगा। साथ ही जब अपने जैसे कि विदेश की यात्रा करेंगे यानी कि अगर भारत के हैं तो जब यूरोप की तरफ जाएंगे बिल्कुल एशिया से बाहर की तरफ जाएंगे उस समय जातक के लिए फायदे की स्थिति को दिखाने का काम करता है और ये निश्चित है जातक विदेश में यहाँ पर अपना अच्छा खासा समय व्यतीत करेंगे। अब नीचे के क्षेत्र में आते हैं और जो कुछ अन्य रेखाओं की स्थिति है उसकी बात करेंगे। तो जीवन रेखा की स्थिति बहुत सारे उथल पुथल के बाद अब बिल्कुल सामान्य ढड़े पर आने की कोशिश कर रही है। वह मुश्किल 2.5 से 2.75 साल है जिस समय ये चीज़ें अपने आप आसानी से जगह पे आ जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे भाग्य रेखा की स्थिति है वो इस मस्तिष्क रेखा के मध्य में आके फंस गई है, तो ऐसी स्थिति में जातक को काफ़ी धैर्य के साथ और सोच समझ के अपने जीवन के एक एक हिस्से का निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए तो जातक के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा जातक अपने जहाँ उनकी परवरिश हुई है उससे जातक अत्यधिक प्रभावित है और जातक की सोच कहीं ना कहीं उससे पूरी तरीके से मिलने का यहाँ पर काम
कर रही है। चूँकि आपके शुक्र के बिल्कुल तले से, जहाँ पर आपके मत्स्य चिन्ह की स्थिति बनी हुई है, वहाँ से जो रेखा निकल के गई है आपके सूर्य को संक्रमित करते हुए शनि के क्षेत्र में, जो कि मध्य के क्षेत्र में आके बिल्कुल मृत रेखा हो गई है। और हालांकि शुरुआत से भी इसकी जड़ में भी कोई अब जीवन यहाँ पर नहीं बचा हुआ है, लेकिन शुरुआती अवस्था में जब तक ये त्रिशंकु की स्थिति में है, जातक के लिए फायदे की स्थिति को बरकरार रखने का काम करेगी। मध्य की जो ये रेखाएँ हैं, ये रेखाएँ जातक के अलग अलग कालखंड में होने वाले अलग अलग परिणामों को दिखाने का काम करती है। जैसे मध्य के क्षेत्र में देखेंगे तो आपको कई सारी रेखाओं की स्थिति दिखेगी, जो कि आर्थिक तौर पे जातक के प्रबंधन को दिखाने का काम करती है और भविष्य में किस प्रकार से अप्स डाउन की स्थिति जातक के जीवन में आएगी उसे भी स्पष्ट दिखाने का काम करती है। प्रथम जो रेखा की स्थिति है यहाँ पर, यानी कि जो त्रिभुज का चिन्ह है, ये जातक के लिए अत्यधिक सुंदर है। जातक अपने बल पर अपनी आजीविका को बढ़ाने का काम करेंगे और बैंक बैलेंस को भी बढ़ाने का काम करेंगे। द्वितीय रेखा की जब स्थिति होगी, इसमें जातक के लिए विभिन्न प्रकार के एसेट्स उनके जीवन में जुड़ते चले जाएंगे। तृतीय में भी ऐसी ही स्थिति है और चतुर्थ में जातक के लिए उनसे अन्य प्रकार के जो लाभ होंगे जीवन में उसे दिखाने का काम करता है। जातक को तीन जगहों से यहाँ पर आर्थिक तौर पर संपन्नता की स्थिति को दिखाने का ये काम कर रही है, यानी कि पैसे आएंगे और उस पैसे से जातक अपने जीवन को बेहतर करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। मंगल की जो रेखाओं का सहयोग है जातक के लिए यहाँ पर अत्यधिक सुंदर है और विभिन्न प्रकार की जो मुश्किलें हैं उसे काफ़ी हद तक इसने रोकने की कोशिश की है। लेकिन जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4, 5, 6 जो यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाओं ने जीवन रेखा को यहाँ पर काटने का काम किया है, ये उलझनों को कम नहीं होने देने की स्थिति को बयां कर रहे हैं। इससे संबंधित कुछ रेमेडीज है जिसका पालन निश्चित तौर पर जातक की उम्र जब 13 साल थी उस समय से ही किया जाना चाहिए था। हालांकि अभी भी बहुत विलंब नहीं हुआ है, तो जो ही हम 10% बचा पाए उसकी कोशिश जातक को यहाँ पर करनी चाहिए। इसके अलावा जातक को अपने माता पिता को रोज़ याद करना चाहिए, अपनी हथेली को रोज़ सुबह देखना चाहिए, इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उनके बताए रास्तों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, ये जातक को शुभता प्रदान करने की स्थिति में लाने का काम करेगा। मत्स्य चिन्ह की स्थिति शुक्रमुखी अवस्था में जातक के भविष्य को संवारने का काम करेगी, मुश्किलों से बचाने का काम करेगी और जातक के आत्मज्ञान को भी केतु यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बढ़ाने का काम कर रहा है। जातक को जहाँ तक हो सके ठंडी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके समंदर से भी, दरिया से दूर रहने की कोशिश जातक करें। जातक को रेंगने वाले कीड़ों से भय रहेगा, इसलिए उन कीड़ों से बचने की कोशिश भी जातक अगर करते हैं तो यहाँ पर अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा देर रात तक सोने की आवश्यकता नहीं है, जो भी पढ़ाई वगैरह करने की इच्छा हो तो सुबह सवेरे कर लेना जातक के हित में रहेगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीनी और मीठी चीज़ खाने से जातक हमेशा बचे, अन्यथा मधुमेह का खतरा जातक के जीवन में यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बढ़ता चला जा रहा है। बाकी जो स्थितियां हैं जातक के जीवन में यहाँ पर बेहतर हैं। तो अगर आपकी हथेली में भी ऐसी रेखाओं की स्थिति बनती है तो समझ जाएं कि रेखाएं किस तरीके से प्रभावित करती हैं। मध्य के क्षेत्र में जो भी रेखाएं हैं ये सब टेम्पररी लाइन्स हैं, इसमें से अधिसंख्य यानी 70% से ज़्यादा, जो कि एक खास समय तक किसी भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने का काम करती हैं, तत्पश्चात उसका प्रभाव यहाँ पर से समाप्त होता चला जाता है। ये जो रेखाएं यहाँ पे आप देख रहे हैं, कई लोगों की हथेली में बिल्कुल सिंगल सिंगल लाइन में होगी, कई लोगों की हथेली में काफ़ी ज़्यादा बड़ी लाइन के रूप में यहाँ पर होगी। ये आपको जुझारू बनाने का काम करता है। जीवन में मुश्किलों को तो लाता ही है, लेकिन उससे पार पाने की आपके पास आपको मौके भी देता है। जब भी ऐसी स्थिति किसी की हथेली में बने ना, देखना आपके जीवन में बड़ी मुश्किल आ रही होगी और आपका मन घबराए कि नहीं मुझे पीछे हो जाना चाहिए, आप वो मत करना, ठीक है, आप अड़ जाना और देखना आप कैसे विजय श्री को प्राप्त होते हो। मिलते हैं फिर कुछ और नए वीडियोस के साथ, रियल एनालिसिस के साथ, ओनली ऑन रंग एस्ट्रो। जय जय श्री राधा।